हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसमें हम नेट का यूज़ करेंगे और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, हमारा जो ब्लाउज़ है हमने इस तरीके से कट करके रखा हुआ है। हमारी ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 15 इंच है। हमने उसमें 1 इंच प्लस करके 16 इंच लिया है। शोल्डर हमने 7.5 इंच लिया है। आर्म होल भी हम 7.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि हम इसको बोट नेक पे बनाएंगे। और देखिए, यहाँ से आपको चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, उसमें 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। आपका जो भी चेस्ट है आपको उसके अकॉर्डिंग आप मार्जिन आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम अपने मेन फैब्रिक को अलग करेंगे और अपने लाइनिंग वाला जो पार्ट है उस पर अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए, गले की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो 4 इंच ले रहे हैं। अगर आप शोल्डर कम लेते हैं तो इसमें गले की जो चौड़ाई है वो 3-3.5 इंच ले सकते हैं। देखिए, अब जो गले की लंबाई हम ले रहे हैं वो 11 इंच ले रहे हैं। यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना के तैयार करेंगे। हम एक निशान और लगाएंगे अपने गले की डिज़ाइन के लिए। तो देखिए, यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच पे और एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम राउंड शेप देंगे। तो इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। पहले यहाँ से देखिए, शोल्डर को हम डाउन करेंगे क्योंकि ये हमने बोट नेक पे कट किया है। आप बोट नेक पे जब भी कट करें शोल्डर को डाउन कर लीजिए 1/2 इंच। तो देखिए, हमने हमारा जो गला है उसको कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर अपने लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे। इसको पिन लगा के हम अच्छे से सेट करेंगे। तो देखिए, इस पर हमने पिन लगा लिए। अब हम इसके गले की तरफ से इसको स्टिच करेंगे। अब देखिए, नीचे कमर की तरफ से भी हमको इसको बराबर करते हुए स्टिच करना है। अब हम सारी पिन को निकाल लेंगे और ये जो मेन फैब्रिक के अंदर की तरफ इसको कट कर लेंगे। हल्के हल्के से कोने पे कट लगा लीजिए, इससे हमारा जो नेक होता है वो फिनिशिंग से पलट जाता है। तो देखिए, यहाँ से हमको अपने ब्लाउज़ को पलट लेना है। इसको पलट के हम अच्छे से आयरन कर लेंगे इसके ऊपर। तो देखिए, हमने हमारे ब्लाउज़ का जो गला है इसको फिनिशिंग से पलट लिया है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। अब हम टक्स डाल के अपने ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। तो देखिए, आप अपने नाप के ब्लाउज़ से नाप लीजिए कि आपके टक्स की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें टक्स लगा लीजिए। दोनों ही टक्स लगा के हमने देखिए ब्लाउज़ को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें जो डिज़ाइन बनाना है हम उसको तैयार करेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, हमने इस तरीके से नेट लिया है। नेट की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, नेट को हमने डबल फोल्ड करके रखा है और लंबाई जो हमने ली है वो 12.5 इंच ली है। चौड़ाई में हमने 6.5 इंच लिया है। इस तरीके से देखिए, अब गले का नाप लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई हमने ली थी वो 4 इंच ली थी, तो हम यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। देखिए, बीच के सेंटर पर निशान लगा लीजिए। यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच और देखिए, यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है आपको। अब हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे अपने गले का। अब हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, हमने जो गला है इसका कट कर लिया है। अब देखिए, जो बीच का सेंटर का निशान है वो हमको यहाँ पे बना लेना है। तो देखिए, इस तरीके से स्केल को रखना है बीच में और इस तरीके से सेंटर का जो निशान है उसको बना लेंगे हम। अब हम इसको साइड में रखेंगे। तो देखिए, आपको इस तरीके से ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है वो लेना है जिसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई जिसकी 3 इंच है। अब हम इसको बीच से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। देखिए,
आपको सीधा इसको स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको देखिए यहाँ से पलट लेंगे। आप किसी भी नुकीली चीज़ की सहायता से इसको पलट लीजिए। तो देखिए हमारी जो पट्टी है उसको हमने पलट के इसके ऊपर आयरन कर लिया है, जिससे ये अच्छे से सेट हो गई है। अब देखिए जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है इसके बीच का जो सेंटर है उसके ऊपर इस पट्टी को बीच के सेंटर से सेट करके इसको लगाना है। तो हम इसमें पहले पिन लगा लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है नेट से अच्छे से स्टिच रहे। इस तरीके से आपको स्टिच करना है, बीच के सेंटर से बराबर रखते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए पट्टी को हमने अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर का जो गला है उसको बना के तैयार करेंगे। तो देखिए हमने अरेबिक पट्टी कट की है नेट की। आप चाहे तो लाइनिंग वाले फैब्रिक से भी इसका गला बना सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए हमको इसको स्टिच कर लेना है। फैब्रिक को खींचना नहीं है, ना ही पट्टी को खींचना है आपको। अब देखिए पूरे ही गले पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे हम। अब पट्टी को पलट के एक सिलाई और लगा देंगे ऊपर से। अब पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारा जो गला है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने ब्लाउज़ में स्टिच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अपना जो बैक पार्ट है उसको बीच से फोल्ड करेंगे और इसमें सेंटर का निशान ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब देखिए जो हमारा डिज़ाइन है नेट वाला उसको हम बीच के सेंटर से बराबर रखेंगे। और देखिए ये जो पट्टी है दोनों सेंटर से बराबर रखते हुए एक पिनअप कर लेना है आपको, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो इधर उधर ना हो। बराबर रखते हुए देखिए पिनअप कर लेना है हमको इस तरीके से। अब देखिए ऊपर के साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। बराबर रखते हुए स्टिच करना है हमको। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज डिज़ाइन है वो बनके तैयार हो गया है। इसमें हम अपने फैब्रिक बटन बना के लगाएंगे मैचिंग के। तो फैब्रिक बटन किस तरीके से बनते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। तो देखिए इस तरीके से हमने फैब्रिक बटन बना के मैचिंग की लगा ली है, जिससे ये डिज़ाइन और भी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे आज का ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना।